आप है बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं लाते हैं, क्रेडिट कार्ड देते हैं जिसमें कि बच्चे बिहार से पास करके बाहर पढ़ने को जाएं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, यदि उनका ही स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, उनको ही मध्याह्न दिया जाने वाले भोजन में जब कीड़े निकलते रहेंगे, बच्चे उसे खाएंगे नहीं, तो आगे की पढ़ाई किस तरीके से करेंगे। जी हाँ, मामला भागलपुर से संज्ञान में आ रहा है कि भागलपुर के एक प्राथमिक विद्यालय में जब बच्चों ने शिक्षक से कहा कि सर इस खाने में कीड़ा है, तो शिक्षक ने कहा कि कीड़ा नहीं है, जीरा है। उसके बाद बच्चों ने कहा, जब हमने बच्चों को और थोड़ा टटोला, थोड़ा और कुरेदा, तो बच्चों ने कहा कि हाँ मास्टर साहब हमें पढ़ाई के नाम पर शौचालय साफ करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे बाप का शौचालय नहीं है, जो उसमें जाओगे बाहर जाओ, तमाम तरीके की बातें प्रिंसिपल साहब और मास्टर जी लोग करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बच्चे, जरा हम आपको सुनवा दें। कौन सी शिक्षिका जो है आपको बाथरूम साफ करने के लिए कहती है? कल्पना मैडम, और मनीष सर, पंकज सर। हाँ, क्या कहते हैं? कहते जाओ बाथरूम में पानी दे। और उस बाथरूम में तुम लोग जाते हो? नहीं। तो फिर उसमें कौन जाते हैं? मैम। मतलब वो अपना उसमें जाती है, लेकिन तुम लोगों से बाथरूम साफ करवाती है? मैम सब डर से नहीं जाते हैं। झूठ नहीं अच्छा, बोलता और झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं। और सबसे पूछ लीजिए। और कौन सब सर कहते हैं? सर भी कहते हैं कोई? कौन सर? मनीष सर कहते हैं। तो आपने सुना, ये उस स्कूल के बच्चों की बात थी, लेकिन हमें चलते चलते वहां के प्रतिनिधि भी मिल गए और हमने उनसे भी बात की कि भाई क्या व्यवस्था है इस विद्यालय की। तो जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। ताकि 7 दिन से ये घटना चल रहा था, इसमें हम जब कहे थे तो लेकिन ये लोग बात नहीं माना मेरा, फिर भी पिल्लू चल रहा है, चावल भी अंदर में है, 4 कट्टा पिल्लू वाला है, उसके बाद जो है कि ड्रम में बढ़िया वाला है, उसको बना करके खिलाता ही नहीं है, वही चावल खिला रहा है। कब से ये शिकायत आ रहा था बच्चों के द्वारा? ये तो 7 दिन से हमारे पास शिकायत आ रहा है, तो हम 2 दिन चेक में आए, ग्रामीण भी गया मेरे पास, हम बोले कि हम अभी जा करके जाँच करते हैं, जाँच किए तो मास्टर साहब भी बोला कि हम तो वो खाना नहीं खिलाए हैं, बेग दिए हैं, कुछ बच्चा क्या भी लिया है। जब बच्चा खा लिया भोजन, तो क्या कुछ बच्चे बीमार भी पड़े हैं या फिर? हाँ, कुछ बच्चे बीमार भी है, 2-4 गो बीमार भी है अभी भी। तो उसका इलाज कहाँ चल रहा है? यहीं पे गर्म में चल रहा है, चल रहा है, गरीब हमारा समाज है, यहीं से चल रहा है। तो ये थे उस इलाके के जनप्रतिनिधि, और जब हमने बच्चों के गार्जियनों को, वहाँ के स्थानीय लोगों को कुरेदा और उस विद्यालय की और थोड़ा सा सच्चाई के तथ्यों को जानने के लिए थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश की, तो स्थानीय लोगों ने तो पूरी पोल पट्टी ही खोल दी उस विद्यालय की। स्थानीय लोगों को भी हुआ था इस क्या इस स्कूल में क्या घटना घटी? स्कूल में जो है कि बच्चा सब जो है कि वहाँ गया, गार्जियन के पास शिकायत किया कि जो है कि खाना में वो खिचड़ी में जो है पिल्लू निकलता है, 1-2 दिन से जो है कि अरवा चावल जो खिलाता है उसमें पिल्लू रहता है, उसको धोकर सफा करके नहीं खिलाता है, इसलिए जो है बच्चा को मतलब स्वच्छतापूर्ण खाना नहीं बनता है मिड डे मील, उसमें गुणवत्ता में कमी है, कहने का ये अर्थ है। आप लोगों ने इसकी शिकायत कभी किए हैं? मतलब आप तो गार्जियन हैं, शिक्षक को कभी कहें, प्रिंसिपल को, स्कूल में कभी शिकायत किए हैं कि इस तरह का खाना तो बच्चे को जो कहें, वार्ड सदस्य को कहें, वार्ड सचिव को कहें कि स्कूल में जो है कि बच्चे को जो पिल्लू वाला खिलाता है आप लोग क्यों नहीं ध्यान देते हैं? तो उनके द्वारा वो क्या बोले आपको? तो वो वार्ड सदस्य फिर जो है कि चेक इन आया कल, जो है कि उसको पकड़ा गया कि पिल्लू वाला खाना खिला रहा था, वही जो है कि लोग जो है कि तालमेल कर दिया, झाँप पोत गर्दा से उसको फेंक दिया भोजन को, उसको अभी ढक दिया है। तो आपने सुना, बच्चों से लेके जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों ने उस विद्यालय के बारे में क्या बताया। अब आप समझ सकते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। शायद सरकार की मंशा ही नहीं है कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ें। अब देखना यह होगा कि यदि ये खबर
सूबे के मुख्यमंत्री तक पहुंचती है तो क्या असर होता है इस खबर का, हमारी भी इस पर नजर रहेगी। यदि आपके कोई सुझाव है तो हमें निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में बताएं, हमारे शहर पर।